यूपीएससी के एग्जाम से देश के सिविल सर्वेंट चुने जाते हैं। इनमें से तकरीबन 25% यूपी बिहार के होते हैं और इन्हीं स्टेट से आते हैं देश के सबसे महारथी नकलबाज। ये है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के कांड और कांडियों का एक्सपर्ट ब्रेकडाउन, द वाइज गाइड टू क्राइम इन इंडिया, कर्से क्राइम, क्रिएटेड विद Amazon Prime Originals मिर्जापुर। ये मिर्जापुर है। ईस्टर्न यूपी के सारे छोटे शहरों की तरह यहाँ पे भी हर घर में कलेक्टर बनने के सपने देखे जाते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में भैया जो इज्जत, जिम्मेदारी और देश की सेवा करने का मौका मिलता है वो कौन नहीं करना चाहता। मगर जब 0.1% का एक्सेप्टेंस रेट हो तो जाहिर बात है कि हर लौंडा तो पास नहीं होगा, तो फिर लगते हैं जुगाड़, गुंडई, पेपर लीक करना, मार्कशीट बदलना और बड़ा मुश्किल सिलेबस हो तो न से नकल माफिया। हम यहाँ फर्रे बनाकर या बुक देखकर चीटिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फोन लगवा के एग्जामिनेशन सेंटर को अपने कंट्रोल के फर्जी स्कूल में करवाना, जहाँ के पीयून, टीचर, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी चीटिंग करवाते हैं। देखिए, नकल माफिया का जैसे ट्रेंड चल रहा है और पुलिस के रिक्रूटमेंट के एग्जाम है, उसका पेपर आउट करा लिया, सिपाही के रिक्रूटमेंट का था, रेलवे के रिक्रूटमेंट था, क्लास फोर्थ एम्प्लॉयज किसी रिक्रूटमेंट का था, MBBS के एंट्रेंस एग्जाम का था, ये सब ठेके पे कि हम करा देंगे या कैसे भी करा देंगे। पर ये तो छोटा खेल है, असली माफिया आता है स से सॉल्वर्स के खेले में। सॉल्वर यानी आपका पर्सनल फुनसुक वांगड़ू, जो आपकी जगह आपके एग्जाम देकर आ जाए। कैंडिडेट बिना एग्जाम दिए क्वालिफाई कर जाता है और बदले में माफिया को मिलती है मोटी रकम और सॉल्वर्स को अपना छोटा सा हिस्सा। Solvers are flown from various parts of India and they are given around 1 to 2 lakh, even 50,000, depending on the stature of the brilliance of the solver to actually appear in the exam. And there's also a technique in which the solver will be selected prior to the exam, and while filling up the forms, the candidate and the solver's photos will be photoshopped and mixed through the modern techniques. वक्त के साथ एडमिट कार्ड पर फोटो आई, OTP का सिस्टम आया, आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आया और उसके साथ माफिया भी इवॉल्व हुए। इन सब सिस्टम को भी चकमा देने में वो लोग माहिर हो गए। अब जितनी चीज़ें एडवांस होती जाएंगी, साल्वर गैंग जो है उतना आगे की सोचेगा। बायोमेट्रिक की भी कार्ड अब निकलती जा रही है, अंगूठा जो है वो प्लास्टिक का बना ले रहे हैं, सब सिलिकॉन का बना ले रहे हैं और सेम वैसा जो है अंगूठा यहाँ पे जो है, जो नौकरी करने वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, वो सब जाते हैं दिल्ली से 500,000 रुपये में अंगूठा बनवा के आ जाते हैं और अपने साथी को दे देते, अंगूठा लग जाता है। तो अब धीरे धीरे ये आइडेंटिफाई हुए, हम लोगों के समय में भी शुरुआत हुई थी, उस समय पकड़े गए थे ये जो माफिया से, इसको भी ऑलमोस्ट ये भी अब धीरे धीरे करके एंड पर है। चुगलिया लापरवाही से माफिया हो या कैंडिडेट, आखिर में सब लोग रंगे हाथ पकड़े ही जाते हैं।